हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं जयपुर में नहीं था, तो इसलिए मैंने 7:30 बजे क्लास है जो कि आप लोगों के लिए कंडक्ट करी थी, एंड होपफुली आपने इसे रेगुलर देखी होगी। पिछले 4-5 जो वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन मैं आप लोगों के लिए 7 से 8 बजे के बीच में एक क्लास है जो कि लेके आता हूँ। तो होपफुली आप अपना रेगुलर न्यूज़पेपर है उसको कवर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे लाइफ में और क्या क्या देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमेशा की तरह आज भी हम लोग यही करने वाले हैं। और आज के इस न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आज आपके पास में दोस्तों नियर बाय 5 के आसपास आर्टिकल द हिंदू में है, इंडियन एक्सप्रेस में 2 है, जनसत्ता में 1 है और PIBPRS में दोस्तों 4 आर्टिकल है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नंबर है जो कि आपको चेंज करना है। इसके अलावा हमेशा की तरह दोस्तों इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, IR है ना, साथ में ठीक है, आज ऑबिटोरी, गर्ल चाइल्ड नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में आज भी बात करेंगे, डिफेंस आज नहीं है, ओके, और स्पोर्ट्स के बारे में आज है जो कि हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कल का जो सवाल जो कि मैंने आपको दिए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पहला सवाल नोबेल अवार्ड दोस्तों उसके बारे में पूछा था, इकोनॉमिक्स के बारे में किसको मिला है। तो नोबेल अवार्ड की बात करें तो मैंने कल बताया था कि बैन, डगलस और कौन है, फिलिप, ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डी आपका सही जवाब है जो कि हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसको कौन से एक्ट से बनाया गया था, ये सवाल था। तो कौन सा एक्ट से बनाया गया था, इसको 2003 के अंदर है जो कि ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है शुगर का, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो है ही दुनिया में सबसे बड़ा, तो कितना टन है जो कि हमने प्रोड्यूस किया है। तो इस बार जो हमारा जो प्रोडक्शन रेट रहा है वो कितना, 5,000 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है जो कि रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इज हेडेड टूवर्ड्स डैश ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो कितने डिग्री सेल्सियस दोस्तों टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये 2 से 3 डिग्री आपका सही जवाब होगा। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ओरिजिन देखने को मिलते हैं ना वो आपको ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बी आपका सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन था कि कितने स्पीशीज हैं, कैरियोनेटिंग बर्ड्स हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में देखने को मिलते हैं, वल्चर के बारे में बात करी गई थी कल हमने, इसके बारे में जिक्र किया था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, अगर आपको गाइस PDF डाउनलोड करनी है तो आप क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको डेली PDF है जो कि अवेलेबल हो जाएगी। साथ में करंट अफेयर कैप्सूल बैच के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो आप अगर अपने किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर आपका कोई PCS का एग्जाम हो, कोई भी इंडिया में एग्जाम हो, तो आप उसके लिए 499 रुपीज में करंट अफेयर कैप्सूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर, 1,000 क्वेश्चन बायलिंगुअल लैंग्वेज में, ओके। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करना ना भूलिए, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या FCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, तो Tier 1 और Tier 2 दोनों की तैयारी आप मात्र 2,000 रुपये में कर सकते हैं, वैसे तो 5,000 रुपये कॉस्ट है लेकिन 2,000 रुपये में कर सकते हैं। आपको क्लास 24 जो है वो आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद में अपना गोल SSC सेलेक्ट करना है, फिर प्रिपरेशन में जाना है, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच, रीजनिंग का, साइंस का, करंट अफेयर का, ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्लिक करके बाय नाउ पे जाके अबाउट कोर्स में पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि ले सकते हैं। अभी यहाँ पे 700-800-1,000 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरा 1,000 से थोड़े से कम है लेकिन, और बहुत बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है बिकॉज स्पेसिफिकली सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेस है जो कि यहाँ पे बनाया गया है इस वाले बैच में। साथ में अगर आपने अभी कभी स्माइल फॉर ऑल किया, जब वॉलंटियर ज्वाइन नहीं किया, तो आप एक वॉलंटियर भी बन सकते हैं, बच्चे की एजुकेशन भी हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन पे जाके स्पॉन्सर कर सकते हैं 500 रुपये पर मंथ में। आज के कोट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग ए प्रीटी फेस, इट्स अबाउट हैविंग ए प्रीटी माइंड, प्रीटी हार्ट एंड ए प्रीटी सोल। देखो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ब्यूटीफुल कौन होता है, प्रीटी कौन होता है, वो वही होता है जो कि दिखता बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी सही है कि जो दिखता अच्छा है डेफिनेटली वो ब्यूटीफुल होता है या फिर प्रीटी होता है, जिसका प्रीटी फेस होता है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे देखो लॉन्गर टाइम के लिए अगर हम लोग बात करें तो लोग कभी भी अप्रिशिएट या लोग कभी भी आपको जो है कभी भी प्रेज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही अच्छे दिखते हो आप, है ना। लेकिन अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छे तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं, है ना, अगर आपका सोल बहुत अच्छा है, अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, तो यकीन मानिए लॉन्गर टाइम तक जिंदगी में हमेशा लोग आपको याद रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कंपनी को इंजॉय करेंगे, बिकॉज आप फालतू किसी के बारे में बिन बात ही
कोई डीमोटिवेटिंग करने वाले या फिर इधर उधर की फालतू बातें नहीं करते हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज प्रिटी फेस होना नहीं होना ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन यस प्रिटी माइंड, प्रिटी हार्ट और प्रिटी सोल होना ये हमारे हाथ में होता है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है उसके ऊपर काम करिए, और जो लुक्स है वो इतना मैटर नहीं करता। अगर लुक्स मैटर करता होता तो फिर मतलब समझ रहे हो, दुनिया जो है वो माइकल जैक्सन के पीछे पागल नहीं होती, या फिर दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इतने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन उनके टैलेंट की वजह से दुनिया जो है आपके टैलेंट आपको काम को जो है वो सैल्यूट करती है, आपके लुक्स को नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि दैनिक के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले यहाँ पे तो एक मर्डर केस के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर भी यहाँ पे IMF ने दोस्तों इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 6.8% कर दिया है। इसके बारे में बात करेंगे क्या कारण रहे हैं कि हमारी ग्रोथ फोरकास्ट पहले वर्ल्ड बैंक ने कम करी, अभी IMF ने कम करी, है ना, उससे पहले RBI ने भी कम कर ली थी, तो उसके बारे में कारण देखेंगे। यहाँ पे जस्टिस मुरलीधर का जो ट्रांसफर होना था वो नहीं हो पाया, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, BCCI चीफ जो है अभी सौरव गांगुली 18 अक्टूबर के बाद नहीं रहेंगे। रॉजर बिन्नी जो है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि वो यहाँ पे नेक्स्ट है जो कि हेड बन जाए, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे BJP का MLA, उसको 2 साल की सजा मिली है जेल में रायट्स केस में। और यहाँ पे दोस्तों 3 लाख से भी ज्यादा RTI है जो कि आज के टाइम पे पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके बारे में बताया गया। देखो RTI बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव था, है ना, और 17 साल है जो कि RTI को ऑलमोस्ट है जो कि हो चुके हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि आप कोई भी सरकारी काम की, कोई भी बजट की, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो कि सरकार से ले सकते हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव था RTI को लेकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर। लेकिन अभी हुआ क्या है कि धीरे धीरे, है ना, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चाहिए होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो 142 के आसपास सीटें हैं, उसमें से 40-50 खाली पड़ी हुई है, उनको फुलफिल ही नहीं किया गया। अब जब फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिल नहीं पाएगी, समझ गए मेरी बात। तो ये फंडामेंटल राइट है जो कि इन्फॉर्मेशन का बताया गया था, और 2005 के अंदर है जो कि RTI इंट्रोड्यूस है, जो कि हुआ था, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। गिनबॉम बोल रहे हैं कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन अरुणाचल प्रदेश, सिविल सर्विसेज का पेपर लीक हो गया ना, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा चलो मैं देखता हूं उस मैटर को एक बार, है ना, ये क्या है इशू। बहुत बड़ी बात है, मतलब यार सिविल सर्विसेज के पेपर इस तरीके से लीक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज है अपनी वो है IMF को लेकर। तो आप देख सकते हो, देखो अभी राइट नाउ पूरी दुनिया में, मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि रिसेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले कोविड के बाद से ही ये चीजें जो कि बोलना स्टार्ट हो गए थे सारे बैंक्स और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, रिसेशन है जो कि आ सकता है। आप दुनिया में जो ग्रोथ कंट्री वाले कंट्रीज है ना उनकी भी डाउनफॉल देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो यूक्रेन वॉर, एक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, और पेंडेमिक के बाद में जो प्राइसेस जो है वो आगे बढ़े हैं, ये 3 मेजर कारण है जिससे एक्सपेक्ट की जा रही है कि कोई भी कंट्री में महंगाई तो बढ़ेगी, और उसका जो टॉलरेंस होता है, जो टॉलरेंस बैंड होता है ना, उससे लिमिट है जो कि एग्जिट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई 4%± 2% है जो कि हमारा इन्फ्लेशन का रेट रखते हैं, लेकिन आज के टाइम पे महंगाई कितनी है, 7, 7.5%, 8% तक किसी महीने में जो है वो पहुंच जाती है। ओके, तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से IMF ने क्या कर दिया, इंडिया की ग्रोथ फोरकास्टिंग को भी कम कर दिया है। करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करी गई है। अब आपसे देखो बैंक के एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए कितना रेट है जो कि बताया गया, तो IMF ने तो 6.8 बोला है, RBI ने 7.0 और वर्ल्ड बैंक ने तो 6.5% है जो कि ग्रोथ की फोरकास्टिंग है जो कि करी है, समझ गए मेरी बात। हालांकि खैर ये ग्रोथ भी अगर देखा जाए तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से तो अगर काफी ठीक है, है ना, लेकिन फिर भी मतलब इंडिया जिस स्टेज के ऊपर है, जिस हमारे यहाँ पे जितने यूथ है, तो ये टाइम पीरियड है मतलब हमारे ग्रोथ का एक्चुअली के अंदर, है ना। अगर कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं करें, अगर चीजों को सही तरीके से चलने भी दिया जाए तो भी 7-8% की ग्रोथ है जो कि इंडिया जैसे कंट्री में हो सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे IMF की 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, वर्ल्ड बैंक IMF और 27 दिसंबर 1945। इसके अलावा मतलब इनका काम क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को, है ना। वॉशिंगटन DC के अंदर दोस्तों हेडक्वार्टर है, और साथ में अभी यहाँ पे हेड कौन है, यहाँ की जो MD है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और साथ में यहाँ पे जो डिप्टी MD है अभी राइट ना वो कौन है, गीता गोपीनाथ, और चीफ इकोनॉमिस्ट है प्रेरियार करके एक पर्सन है वो बने हुए हैं। तो गीता गोपीनाथ का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है गाइज।
बोध गौतम बोल रहे हैं कि सर एक बार कमेंट पे भी ध्यान दिया कीजिए। बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या इश्यू है। चलो एक बार वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं सौरव गांगुली को लेकर। देखो तो आप सभी को मालूम ही है कि बीसीसीआई के अभी प्रेसिडेंट है जो कि सौरव गांगुली बने हुए थे, लेकिन अभी क्या हो चुका है, उनका टेन्योर है जो कि खत्म होने वाला है। तो अब वापस से रिन्यू करने की बात चल रही थी। इनफैक्ट जो लॉ था जिसमें रिन्यू करने के लिए लोडा कमेटी ने मना किया था, उसमें तक भी दोस्तों चेंजेस कर दिए गए थे। तो ये लग रहा था कि भाई वापस से जय शाह, जो कि एक बहुत ही दुनिया के ब्रेडमैन से भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, जय शाह और सौरव गांगुली दोनों अपने टेन्योर को क्या करेंगे, वापस से रिन्यू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जय शाह का तो रिन्यू हो गया, वो वापस से सेक्रेटरी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सौरव गांगुली का दोस्तों नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी जो फॉर्म फिल किया गया है वो फॉर्मर क्रिकेटर है रॉजर बिनी कौन है, 1983 के दोस्तों जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी ना, उस टाइम के दोस्तों प्लेयर है जो कि हुआ करते थे। तो उन्होंने यहाँ पे अभी अप्लाई है, जो कि क्या है अभी ये पूछा जा रहा है कि अभी ये कि भाई क्या इशू हुआ है, किस वजह से रिन्यू नहीं किया गया है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में इश्यूज है ना, बंगाल से नहीं बनाना चाह, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो कि चल रही है। पहले इसलिए बनाया गया था ताकि बंगाल के इलेक्शन में फायदा उठा सके, ऐसे कई सारे यहाँ पर चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीएमसी और ये सब चीजें आपको सब जगह पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हालांकि ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे जो जैसे कि ESPN क्रिक इन्फो है, इन्होंने बोल दिया है कि रॉजर बिनी रिप्लेस करने वाला है क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है ना। अरुण धूमल जो है करंटली बीसीसीआई के ट्रेजर है, ये आईपीएल के चेयरमैन बनने वाले हैं। ओके, और अरुण धूमल जो है ये कजन है एक्चुअली उनके, क्या नाम है उनका, अनुराग ठाकुर के। चलो ये देख सकते हो ये काफी सारी है, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, रॉजर बिनी रिप्लेस करने वाले हैं, जय शाह जो है वो सेक्रेटरी रहने वाले हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 11, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सीजीआई को लेकर भी। नेक्स्ट सीजीआई कौन बनने वाले हैं, चंद्रचूड़ सिंह जी है दोस्तों जो कि बनने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चंद्रचूड़ जी जो है वो नॉमिनेट किए गए एज ए नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वो ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या बन जाता है, CJI, समझ गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि भाई जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही CJI बनेगा। तो देखो हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी गई है, समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं बोली गई है कि भाई जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो एक्चुअली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में तो खैर सीनियर मोस्ट के बारे में तो बात करी गई, लेकिन कोलेजियम के बारे में जो है ना उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना यू ललित जी, उनको नॉमिनेट किया गया चंद्रचूड़ जी के द्वारा एज ए सक्सेसर, यानी कि जो नेक्स्ट जो है वो कौन बनेगा, वो जो करंट में होता है वही नॉमिनेट करके जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कि कौन कितने साल सर्विस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसने दी है। देखो यहाँ पे सीनियरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने साल के हो पर्सनली, नहीं नहीं नहीं, सीनियरिटी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जज कितने टाइम से हो। ओके, कई बार ऐसा होता है कि उम्र कम होती है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। तो यहाँ पे यू ललित जी जो अभी रिटायर होने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट अपने सक्सेसर है जो कि बना चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि जो चंद्रचूड़ जी है ना, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 साल तक नेक्स्ट है जो कि CJI रहने वाला है, काफी अच्छा टाइम पीरियड है इनके पास में। ये पहले ऐसे CJI है जिनके फादर भी CJI थे, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब सेकंड जनरेशन CJI बनेंगे, इनके फादर थे, उनका नाम है VY चंद्रचूड़ और वो देश के 16वें CJI हुआ करते थे, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI जो है वो हमारे देश में रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी 8 नवंबर को जो है वो ललित जी का टेन्योर है जो कि खत्म होगा, और इनका जो टेन्योर चलेगा वो नवंबर 2024 तक है जो कि चलने वाला है। जुडिशियल करियर की बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते थे, फिर वहीं पर ही जो है ये जज बने, फिर वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उससे फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट हो गए, समझ गए। ठीक है, आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट CJI के बारे में। तो आप देख सकते हैं सीनियरिटी के बिहाफ के ऊपर नॉमिनेट है जो कि किया जाता है, दिल्ली में एक ही CJI अपने सुप्रीम कोर्ट है और 65 एज है, आर्टिकल 124 के तहत दोस्तों CJI है जो कि अपॉइंट करे जाते हैं और 1950 में फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले थे HG कानिया जी 1950 से 51 के बीच में, और नियर बाय 2,80,000 रुपए के आसपास सैलरी है जो कि CJI की होती है, बाकी जो जज है उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और अगर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी होती है 2.5 लाख और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी होती है 2.25 लाख रुपए।
चलिए, इसके अलावा दोस्तों दो बार ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कन्वेंशन को ब्रोक किया गया है, यानी कि सीनियरिटी के हिसाब से जो है वो दो बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस नहीं बनाए गए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि संविधान में ये बात नहीं है कि भाई सब, ये तो कन्विक्शन है, मानते हुए आते हैं ऑलरेडी ऐसा चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो तीन केसेस हुए थे, सिंगल टू जज थ्री जज केस है करके, मैं अभी बताऊंगा आपको, उसके अंदर ये बात बोली गई थी, तो उसी को ही कंटिन्यू है जो कि अभी तक रखा गया है। तो कन्वेक्शन के हिसाब से क्या होता है कि भाई सीनियरिटी को बनाया जाता है, लेकिन 1973 के अंदर ए एन राय, इनको तीन सीनियर जजेस को जंप करके जो है वो सीजीआई बनाया गया। उसी प्रकार से 1977 के अंदर भी मिर्जा अहमदुल्ला है बेग थे, उनको भी चीफ जस्टिस है, जो कि राज खन्ना को सुपरसीड करके बनाया गया। तो दो बार ये कन्वेक्शन को क्या किया गया है, ओवरकम किया गया है। अगर 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, उससे पहले क्या था, उससे पहले था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे पहले क्या था, फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये एक्चुअली पार्लियामेंट में था, सीट जो थी चेंबर ऑफ प्रिंस जो है वहीं पर ही थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में बन गया था, उस टाइम पे चीफ जस्टिस और दो जजेस जो कि बनाए गए थे, चीफ जस्टिस उस टाइम पे मॉरिस है दोस्तों, जो कि बने थे 1937 से लेकर 43 तक। और इसके अलावा ये दो जज है जो कि और बने उसके बाद में। इन दो जजेस में से ही दोस्तों एक हमारे एच जे कान्हा साहब थे, जो कि फिर बाद में क्या बने, हमारे देश के फर्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि 1950 से 51 तक बने। उसके बाद सेकंड नंबर पे शास्त्री जी, थर्ड पे महाजन जी, एंड सो ऑन, और अभी 50वें बनने वाले हैं। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, ठीक है, और नेक्स्ट जो चंद्रचूड़ जी बनने वाले हैं, तो नॉर्मली जो कोलेजियम होता है जिसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, कौन से हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है, कौन नेक्स्ट बड़े जो पेटिशन, ठीक है, इसके अलावा कौन सा हाईकोर्ट का ट्रांसफर होगा जज का, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है जज से संबंधित, वो कोलेजियम ही फैसला लेता है। नॉर्मली कोलेजियम क्या होता है, 4+1 होता है, चार सबसे सीनियर मोस्ट जज और एक होते हैं आपके सीजीआई। इस बार दोस्तों चंद्रचूड़ जी वाले जो बेंच होगी कोलेजियम की, उसके अंदर 2023 के अंदर पता है क्या होगा, 5+1 कोलेजियम होगा सीनियरिटी के हिसाब से, मतलब जो चार सीनियर मोस्ट होते हैं उसके बजाय 5 सीनियर मोस्ट है जो कि, ठीक है, वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। समझ गए मेरी बात। चलिए, ठीक है, ऑल राइट। अब यहां पे बहुत, मतलब यहां पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इन सब चीजों को, कोलेजियम को, फर्स्ट जज कच को, फर्स्ट जज केस को, सेकंड जज केस को, तो इसके बारे में पता करते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मतलब ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रचूड़ जी को सीनियरिटी के बिहाफ पे है, जो कि आने वाले 2 सालों के लिए सीजीआई है जो कि बनाया गया है। तो अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता क्या है, तो मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, 4+1 के अकॉर्डिंगली कोलेजियम होता है। इनका काम क्या होता है कि अपॉइंटमेंट करना जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, पहला काम। दूसरा काम होना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करना। तीसरा, जो हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं जजेस के, वो भी देखना। तो ये 3 मेजर काम है जो कि कोलेजियम के होते हैं। समझ गए मेरी बात। तो हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन बस हमारे यहाँ पे जो पहले केसेस हुए हैं उसके बिहाफ पे ही ये सब चीजें जो कि चल रही है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सीजीआई और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज भी मिलकर कोई फैसला लेते हैं। समझ गए मेरी बात। एक सेपरेट 3 मेंबर कोलेजियम भी चलता है, ये तो मैंने आपको बताया, ये जो काम है ये तो 4+1 के, एक सेपरेट 2+1 कोलेजियम भी चलता है जिसको हेड कौन करते हैं, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। ओके, अब इसमें इनका क्या काम होता है कि कोई भी अपॉइंटमेंट करना जजेस टू द हाई कोर्ट, अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपके एग्जाम के लिए, अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 4+1 से जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने हैं तो फिर मैं किससे कैसे जाऊंगा, 2+1 से जाऊंगा। समझ गए मेरी बात। तो दोनों में बहुत फर्क है। एग्जाम में सवाल आएगा सिविल सर्विसेज में या किसी भी एग्जाम में, तो आप हमेशा अगर मेजरली गलत करके आते हैं, तो ये कंसेप्ट है जो कि ध्यान रखिएगा। साथ में अगर कोई ट्रांसफर करने हैं तो वो तो 4+1 देखेगा, चीफ जस्टिस बनाना है हाईकोर्ट का तो भी 4+1 देखेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर अपॉइंटमेंट करना है हाईकोर्ट के जजेस का तो 2+1,
टू सीनियर मोस्ट जज और प्लस वन सीजीआई। फिर ये डिस्कस करेंगे किससे, गवर्नर से करेंगे उस स्टेट के, उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा हाईकोर्ट का उससे डिस्कस करेंगे, वहां के एक दो सीनियर जज से डिस्कस करेंगे, फिर जाके किसी भी जज को अपॉइंट करेंगे एज ए जज ऑफ द हाईकोर्ट। समझ गए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहली बार जो मुद्दा आया वो दोस्तों फर्स्ट जज केस में 1981 के अंदर आया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 7 जज की बेंच बैठी जिसमें आर्टिकल 124 और 127 को इंटरप्रेट किया गया, और जिसमें बोला गया कि भाई कैसे अपॉइंटमेंट है जो कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किया जाएंगे। समझ गए, तो इसके अंदर भी सीजीआई को लेकर जो कि बात बोली गई कि सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज जो कि इसके ऊपर काम करेंगे। सेकेंड जज हुआ, सेकेंड जज केस हुआ 1993 के अंदर, उसमें भी 9 जज की बेंच बैठी जिसने क्या किया, 1981 वाले जजमेंट को जो है ना वो थोड़ा बहुत एग्जामिन किया उसकी करेक्टनेस को, और थोड़ा बहुत उसको रिवर्स भी कर दिया। ठीक है, तो जो कंसल्टेशन था ना, वर्ड कंसल्टेशन, उस वर्ड को चेंज किया गया। पहले क्या कंसल्टेशन वर्ड था, उसको चेंज करके कंकरेंस किया गया कि भाई सहमति से क्या कंसल्ट नहीं करेंगे, सहमति के साथ में मिलकर है जो कि कॉलेजियम क्या करेगा, किसी भी जज का अपॉइंटमेंट करेगा। समझ गए, पहले यह था कि भाई सीजीआई कंसल्ट करके काम कर लेगा, अभी कंसल्टेशन की बात नहीं हुई सेकंड जज में, उसमें बोला कि कंकरेंस के साथ में, यानी कि रजामंदी के साथ में क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। उसके बाद तीसरा जज केस हुआ 1998 के अंदर, जहां पे जो अपने नारायण साहब जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो डिस्कशन किया था। आपने सुना होगा ना एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है ना, तीन तरीके की ज्यूरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक एडवाइजरी होता है जिसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बात कर सकता है, पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी इश्यू के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के पास में डिपेंड करता है कि वो आंसर करेगा या नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया और उन्होंने बताया कि भाई हमें कोई भी जज को अपॉइंट करना है तो कॉलेजियम से करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जो सेकंड जज केस था उसी को सपोर्ट किया, और स्ट्रेंथ जो बढ़ा के, पहले 3 जज की थी उसको बढ़ा के 4+1 कर दिया, यानी कि 5 जजेस की स्ट्रेंथ है जो कि कर दी। तो आज के टाइम पे जो कॉलेजियम है हम इसी को कहते हैं। ठीक है गाइज, तो होपफुली ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, अभी चंद्रचूर जी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो खुद भी जो है वो इस 4+1 वाली, ये देख रहे हो 4+1 जो कॉलेजियम है उसके अंदर शामिल थे। चलिए ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है, और 5+1 के अंदर क्या होगा कि सीनियरिटी के हिसाब से एक और पर्सन है जो कि 2023 में एड ऑन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 की। समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार वीडियो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर ये पूरा कॉलेजियम का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट कैसे चलता है, कैसे अपॉइंट होते हैं जजेस, कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सारा समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है पेज नंबर 12, यहां पे बात करेंगे यूएन के सेक्रेटरी जनरल के बारे में, और साथ में मोदी जी दोस्तों एक एनवायरमेंट कैंपेन है जो कि गुजरात में लॉन्च करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन मानी जाती है ना, एंटोनियो गुटेरेस आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और तो वो इंडिया ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, और यहाँ पे हमारे एक स्पेशल एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसको लॉन्च करेंगे। समझ गए मेरी बात, तो साथ में कौन होंगे, मोदी जी होंगे, जयशंकर जी होंगे, कहाँ पर करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अपने केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, वहां पर करने वाले हैं। कैंपेन का नाम क्या है दोस्तों, कैंपेन का नाम है लाइफ इनिशिएटिव, लाइफ इनिशिएटिव। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था क्योंकि इसको जून में लॉन्च किया गया था वैसे मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, नीति आयोग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज है जो कि किया गया था। 3 बातें ध्यान रखिएगा, कैंपेन का नाम है लाइफ इनिशिएटिव। एक्चुअली लाइफ इनिशिएटिव कहां पे स्टार्ट हुआ था, COP26 के अंदर ग्लासगो में जब मीटिंग हुई थी ना, तब हमने दोस्तों लाइफ इनिशिएटिव के बारे में बात किया था। समझ गए, और इसको पूरा बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ को का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग कॉन्शियस लर्निंग करें। कॉन्शियस लर्निंग का मतलब होता है कि कोई भी सामान अगर हम लोग खरीद रहे हैं है ना, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, कोई भी रिसोर्सेज को उतना ही काम में लें जितना कि आपको जरूरत है। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपकी लाइफस्टाइल है ना वो एनवायरनमेंट के लिए होनी चाहिए, इसी को लाइफ इनिशिएटिव है जो कि कहा गया है। तो यही बात है जो कि COP26 के अंदर ग्लासगो मीटिंग में भी इंडिया के द्वारा मोदी जी के द्वारा कही गई थी। समझ गए मेरी बात, 5+1 2023 से हमेशा के लिए नहीं होगा, वो है ना कुछ टाइम तक के लिए, चंद्रचूड़ जी वाला जो कॉलेजियम होगा उसी ड्यूरेशन के अंदर 2023 से होगा, वो 5+1 हमेशा नहीं होगा अमरीश। ठीक है,
चलो अब देखो होता क्या है कि कई बार आप हम लोग ऐसे सामान खरीदते हैं जो कि डंप होने के बाद एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपके पास यकीन मानो आप पिछली एक बार सोचना कि लास्ट जो 10 आपने शॉपिंग करी है अपनी जिंदगी में, लास्ट 10 बार उसमें से कितने प्रोडक्ट हैं जो कि आज आप आज भी काम में लेते हो, या आपने जो खरीदा वो वर्थ इट था, उसको प्राइस जो आपने पे करी वो आपने उसको काम में लिया है कि नहीं लिया है। आप सोच के देखो 10 में से 5 तो ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा बिन बात ही ले लिया यार। तो यही होता है कि आप बिन सोचे समझे कॉन्शियसली आप काम नहीं करते हो और फिर आपको पैसा और रिसोर्सेज का भी यूज नहीं होता और वो काम नहीं आते। तो बिजली, पानी, खाना, ये सब भी उसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जितना आपको जरूरत है कंज्यूम करो और उसके बाद किसी और को ट्रांसफर करो। समझ गए, बिजली काम नहीं आ रही है बंद कर दो, खाना एक्स्ट्रा है किसी को दे दो, कपड़े एक्स्ट्रा है किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ी है पुरानी फालतू में रखने के बजाय किसी को हैंडओवर कर दो, है ना। इसी को बोलते हैं कॉन्शियस लर्निंग। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये बात मैंने बताई थी, तो आइडिया जो ये लाइफ का है मैंने आपको बताया, इंट्रोड्यूस किया गया 2026 की कॉप समिट में, 2021 में ग्लासगो के अंदर, और यहाँ पे माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन के बारे में बात करी गई, रेदर की माइंडलेस और वेस्टफुल कंजप्शन करने के अलावा सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की बात करी गई। तो हमने 3 प्लेयर के ऊपर काम करने के लिए बोला, प्रो प्लैनेट पीपल P3, है ना, आपस में क्या करें, कमिटमेंट करें, अडॉप्ट करें, प्रमोट करें इन्वायरमेंट चीजों को। साथ में हमारे जो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा थोड़ा बड़ा है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली, है ना, 2021 में 21.71% है। हालांकि खैर इसके अंदर प्रॉपर फॉरेस्ट की बात नहीं होती, इसमें छोटे छोटे जो झाड़ियाँ हैं वो वाला एरिया भी जो है इंक्लूड कर लेते हैं। तो लेकिन हाँ टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने रेन्यूएबल के अंदर ये भी बोला है कि हम लोग है ना रेन्यूएबल कैपेसिटी का 50% है जो कि हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे जितनी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी काम में लेंगे। तो हमारा ये भी कमिटमेंट है कि 40% जो है वो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हम लोग आने वाले सालों में बनाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो हम लोग 3rd है विंड पावर में, 4th है सोलार में, 5th है रेन्यूएबल में 2021 में। टारगेट जो 10% इथेनॉल का हमने किया था, है ना, कि हम लोग 2022 तक इसको अचीव करेंगे, तो 5 महीने पहले ही हमने अचीव कर लिया। ओके, इसके अलावा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पावर और न्यू रेन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने भी लाइफ कैंपेन या जो इनिशिएटिव था उस टाइम पे एक अग्नि तत्व लॉन्च किया था। अग्नि तत्व का मतलब था कि भाई जो आपके पंच महाभूत जो 5 चीजें होती ना अपने, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, है ना, इन सब से मिलकर हर चीज बनी हुई है, तो हम इनको कॉन्शियसली काम में ले, ठीक है। ये वही 5 चीजें हैं जिससे शक्तिमान बना था, याद है आपको बचपन में, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में, पंच महाभूत के बारे में बात करी गई थी, पंच, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 दोस्तों। यहां पे हम लोग बात करेंगे इजराइल और लेबनान इशू को लेकर। देखो इजराइल और लेबनान ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी देश है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है, दोनों के अंदर जो पड़ोसियों में तो लड़ाई होती है, जैसे कि हमारे हो गए, या फिर चाहे इंडिया के साथ चाइना के हो गए रिश्ते, या फिर ईरान के, सॉरी, या फिर इसराइल के लेबनान के साथ में हो गए। हालांकि इसराइल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ में लड़ाई है और एक युद्ध भी हो चुके हैं कई बार, 1st अरब वॉर, 2nd अरब वॉर, 3rd अरब वॉर के अंदर उसने सबको समझा दिया कि भाई अपुनी आकर आ जाए, ठीक है। तो वो इसराइल ने समझा दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग 6-day war। 6-day war कब हुई थी, 1967 में हुई थी, जब आसपास के जो ये मेजरली जितने भी सारे के सारे इसके आसपास के अरब कंट्रीज हैं सबने अटैक बोला और सबको हराया इसराइल ने 6 दिन के अंदर, सबका एरिया भी कैप्चर कर लिया, उसके बाद से बड़ा शांति से जी रहा है। छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस में, है ना, हर चीज में। कितना भी ऊपर मिसाइल छोड़ लो, उसका जो आयरन डोम प्रोजेक्ट है वो सारी मिसाइलों को रोक देता है। मतलब कितनी मुश्किल होती होगी, सोचो कि मिसाइलें गिर रही है और इंसान सो रहा है अपने घर में, ठीक है। कितना भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ की जनता को, सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ देख लेगी हमारे गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है इसराइल और लेबनान के बारे में बता दिया। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि दोनों देशों के बीच में है ना बहुत प्रॉब्लम चल रही थी काफी टाइम से, किसको लेकर, यहाँ पे गैस फील्ड को लेकर दोनों के काफी बड़ा डिस्प्यूट था कि भाई इनके जो आसपास के जो मेडिटेरियन सी के अंदर जो है ना एरिया है ना उसमें कौन गैस फील्ड को काम में लेगा, इसको लेकर डिस्प्यूट था। फाइनली दोस्तों यूएस ने भी कोशिश करी काफी और दोनों के बीच में फाइनली जो है
वो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो चुका है, तो मैरिटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट है जो कि इन्होंने कर लिया है। इन्होंने क्या मैरिटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट किया दोनों देशों ने मिलकर, कि देखो भाई यहाँ पर जो गैस फील्ड है वो दो तीन प्रकार की है, दो तीन अलग अलग है, तो एक काम करता हूँ कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कारिश करके है, तो इसके ऊपर तो इसराइल काम कर लेगा, और इसी के पास में एक और है, मतलब उसका नाम कारिश नहीं है, उसका नाम कुछ दूसरा फील्ड है, उसका नाम क्यूना करके है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, लेबनान काम कर लेगा। हालांकि कई सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप भी है लेबनान के अंदर, जिनको है ना काफी देश फंड करते हैं इसराइल में अंडरस्ट क्रिएट करने के लिए, तो इसराइल अगर इसके ऊपर काम करेगा ना, तो ये लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर गैस फील्ड के ऊपर अटैक करने की। ओके, तो कई सारे ऐसे ईरान के द्वारा बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है एक्चुअली, जो कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि दोनों देश आपस में नहीं रहे, साथ में गैस फील्ड के ऊपर रिसोर्सेज काम में नहीं ले इस तरीके से। तो इस चीज से जो है वो इसराइल को टैकल करना पड़ेगा कि कैसे वो मिलिटेंट अटैक को रोकता है। तो ये दोस्तों मैप देख सकते हो, ये पास में ये इसराइल है और इसी के बाजू के अंदर लेबनान है, लेबनान के पास में सीरिया, जॉर्डन, सऊदी, इजिप्ट, ये सारे के सारे कंट्री है दोस्तों जो कि सिक्स डे वॉर के अंदर कूद पड़े थे और सब हार के वापस गए। ठीक है, थोड़ा क्लोज करूंगा तो ये देख सकते हो ये पूरा एरिया इसराइल का हो गया मेडिटेरियन सी के पास में। ये लेबनान है जिसकी कैपिटल बैरेट है, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक एक्सप्लोरेशन भी हुआ था, है ना, एक पूरा का पूरा टैंकर ही उड़ गया था, याद है आपको। तो अब जो जिस अब ये देखिए, ये तो इसराइल हो गया, ये लेबनान हो गया, अब ये यहाँ पे देखिए गैस फील्ड है मेडिटेरियन सी के अंदर। अब ये एक तो कारिश है, कारिश तो आप देख सकते हो इसराइल की तरफ चले गई, और ये जो क्यूना गैस फील्ड है ये लेबनान की तरफ चले गई। पहले दोनों देश ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों के दोनों ही हम ले लें, लेकिन फाइनली दोनों ने नेगोशिएट किया, अब दोनों एक एक करके ले रहे हैं। यहां तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, और 20 किलोमीटर का यहां से। और अब क्या होता है, पहले इसराइल बोलता था ये वाला एरिया जो है वो मेरा है, लेबनान बोलता था नहीं नहीं ये वाला एरिया मेरा है। अब फाइनली दोनों के बीच में क्या हो चुका है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन है जो कि हो चुका है। ठीक है गाइस, और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो ये लाइन है ना ये वाली एक्चुअली वो रजिस्टर्ड है जो कि इसराइल ने करवाई थी, मतलब है ना। फिर यूनाइटेड नेशंस ने भी, यूएन ने और यूएस ने काफी नेगोशिएट करके काम करवाया। तो ये दोनों गैस फील्ड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा सिक्स डे वॉर के बारे में बात करें तो 1967 में 5 से 10 जून के बीच में हुई थी। ओके, आप देख सकते हो जैसे जैसे ये इसराइल एक्चुअली जो ब्लैक में नजर आ रहा है ना, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया इसने कैप्चर जो है वो एरिया करता चला गया। उस टाइम पे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक हुआ करता था जिसमें इजिप्ट हो गया, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे के सारे कंट्री यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में हुआ करते थे। कंट्री अलग थे लेकिन इनका अलायंस था एक, तो सब ने मिलकर जो है वो अटैक किया, लेकिन इसराइल ने जो है सबका एरिया, ये इजिप्ट का एरिया था, ये जॉर्डन का एरिया था, इधर का सबका एरिया है जो कि जीत लिया। ठीक है, तो वेस्ट बैंक आज भी इसके पास में है, ये गाजा है, ओके, ये भी इसके पास में है, ये जेरूसलम हो गया ये भी इसके पास में है, और ये आपका गोलन हाइट्स वाला एरिया है ये भी इसके पास में है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई हुई थी, इसराइल की विक्ट्री हुई थी, इसराइल ने दोस्तों गोलन हाइट ले लिया, वेस्ट बैंक ले लिया, गाजा स्ट्रिप ले ली, सीनाई पेनिनसुला ले लिया, ये सारा के सारे एरिया कैप्चर कर लिया है। एक तरफ तो इसराइल था, दूसरी तरफ देखिए इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी, है ना, और माइनर जो इन्वॉल्वमेंट था वो कुवैत और लेबनान का भी था, इन्होंने भी पीछे से सपोर्ट किया था। ठीक है, फोर्सेस देखोगे तो 4 गुना 5 गुना है, लेकिन यहाँ पे सब चीजें इसराइल के पास कम है, लेकिन फिर भी इसराइल जीत गया था। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। ठीक है गाइस, हरमीत कौर जो पीडीएफ है जो भी क्लास की, वो क्लास 24 की ऐप पे वहां पे डाउनलोड हो जाएगी, वहां पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है। यहां पे बात है दोस्तों इक्वलिटी इंडेक्स को लेकर, तो एक खुशखबरी है कि 6 पोजीशन हम लोग ऊपर आ गए हैं इक्वलिटी इंडेक्स के अंदर, यानी कि हमने थोड़ा इक्वलिटी को रिड्यूस करने के ऊपर काम किया। तो आप देख सकते हो 6 प्लेसेस ऊपर गए और हमारी रैंक है दुनिया के 161 कंट्रीज में। आज भी दोस्तों हम लोग 123वीं रैंक के ऊपर है, अगर हम लोग इनइक्वालिटी रिडक्शन के बारे में बात करें तो आज भी हम लोग लोवेस्ट परफॉर्मर है हेल्थ स्पेंडिंग के अंदर। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि क्या कौन सी आई है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो उसको CRII है जो कि कहा जाता है। इस रैंकिंग के अंदर हम लोगों की रैंकिंग है 123, पहले 129 रैंकिंग थी, 6 प्लेसेस हम लोग ऊपर चले गए। आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी के अंदर भी खुशखबरी है थोड़ी सी कि भाई हमारी टॉप 100 में तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी, लेकिन जो नंबर है हमारी यूनिवर्सिटी का वो थोड़ा बढ़ गया है। तो रिसेंटली आप देख सकते हो टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज हुई। ठीक है,
तो 2023 की जो ये लिस्ट है इसमें हमारे दोस्तों 75 इंस्टीट्यूट है जो कि इसके अंदर लिस्ट है। पिछली बार हमारे 56 थे, इस बार हमारे 76 इंस्टीट्यूट है जो कि इसके अंदर 75 इंस्टीट्यूट है जो कि इसके अंदर लिस्ट है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कंट्री जिनके इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिस्ट है तो उसमें हम लोग छठे नंबर के ऊपर है, यानी कि दुनिया में छठे नंबर का कंट्री हमारा जहां के कॉलेजेस जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर मैक्सिमम है ना। तो हमारे नंबर तो बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो टॉप 100 में आज भी हमारा कोई कॉलेज नहीं, ये हमारे लिए दोस्तों बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, तो 5 कॉलेजेस हमारे जो है वो 500 के अंदर है, उसके अलावा बाकी फिर 1000 के अंदर बाकी रैंकिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दुनिया में नंबर 1 है आज भी ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड सेकंड पे है, कैम्ब्रिज थर्ड पे, स्टैनफोर्ड थर्ड पे, MIT 5वें, और हमारे जो इंडिया के हैं दोस्तों वो हमारा जो नंबर 1 के ऊपर है हमारा इंडिया का वो वैसे रैंकिंग में 250 नंबर के ऊपर है, 251 से 300 की रैंकिंग के ऊपर है, जिसको हम लोग IISc कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर। फिर JAS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च है 350 से 400, शुलुनी है यूनिवर्सिटी, फिर अलागप्पा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारी के सारी हमारी यूनिवर्सिटीज है, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे। जनसत्ता के बारे में बात करें फ्रंट पेज पे तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, एक छोटा सा इशू है UN में क्या हुआ है, बस वही बात करेंगे, पेपर में नहीं आएगा, बस UN में क्या चल रहा होता है, कौन इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये सब बेसिक थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि रशिया ने जो है अभी यूक्रेन के ऊपर 3-4 रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसके खिलाफ वोटिंग हो रही थी, तो रशिया ने बोला कि काम करो वोटिंग तो करवा लो लेकिन इसको सीक्रेटली करवाओ, ये पता नहीं चलना चाहिए किसने किसको सपोर्ट किया है। तो बाकी सारे कंट्रीज ने बोला कि नहीं सीक्रेटली क्यों होगी, ओपनली होनी चाहिए। तो इंडिया का भी बारी आई कि भैया किसको सपोर्ट करेगा, तो इंडिया ने भी रशिया के खिलाफ है जो कि वोट डाला है, और इंडिया ने फेवर किया है कि भैया ओपन है जो कि वोटिंग होनी चाहिए। तो इंडिया के साथ में 107 कंट्रीज ने क्या किया है, इस चीज को फेवर किया है कि जो भी वोटिंग होगी वो क्या कैसी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। 13 देशों ने दोस्तों क्या किया है इसमें, रशिया को सपोर्ट किया है कि हाँ भाई बिल्कुल गुप्त वोटिंग है जो कि होनी चाहिए, है ना। 39 कंट्रीज इसमें शामिल ही नहीं हुए, चाइना भी उसमें से एक है जो कि आया ही नहीं वोटिंग करने, है ना। चलिए, तो ये छोटी सी बात थी, मतलब कुछ खास नहीं है। आगे बात करते हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट को लेकर। देखो क्या होता है कि हर मंथ है ना जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास में पैसों की कमी होती है, उनके पास इतना खर्चा ज्यादा करते हैं वो कमाते कम है। अब वो जो डेफिशिएंट पड़ता है वो कौन देता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, समझ गए मेरी बात, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट। तो 7000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिशिएंट था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 14 राज्यों को अवेलेबल करवाया है, इसको बोलते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिशिएंट, PDRD कहते हैं हम इसको। तो आर्टिकल 375 के हिसाब से जो है क्या होता है कि ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है ताकि वो अपना काम है जो कि चला सके। जो सरकार का पैसा होता है CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से आपकी सैलरी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, वहीं से ये पैसा है जो कि अलग अलग राज्यों को दिया जाता है अगर उनके वहां पे हालात सही नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है कि कोई भी रेवेन्यू में डेफिशिएंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि इसको क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो 3 ट्रिलियन रुपी यहाँ पे दोस्तों 5 साल के पीरियड पे देने के लिए बोले गए हैं। ठीक है, अब फायदा क्या होता है कि जिस राज्यों के अंदर सेम गवर्नमेंट होती है सेंट्रल रूल्ड, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, बाकी को कम मिलता है। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट है जो कि मिल जाता है इस केस में उन राज्यों को, है ना, जो राज्य सेम सेंट्रल वाले राज्य होते हैं। चलिए ठीक है, 23 राज्य जो है यहाँ पे इनका नाम है जो कि यहाँ पे लिखा गया है जिनको ये पैसा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 268 से 293 जो है पार्ट 12 का, उसके अंदर दोस्तों फाइनेंशियल रिलेशन सेंट्रल स्टेट के कैसे रहेंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दूं, थोड़ा कट रहा है ऊपर से, है ना। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव पावर होती है कि अगर मान लीजिए यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी टैक्सेस हैं वो लगाने के, उसी प्रकार से स्टेट के पास में भी पावर होती है, स्टेट लिस्ट जो होती है उसके अंदर वो किसी चीज पे टैक्सेस लगाती है, और कॉन्करेंट के अंदर जो है दोनों के पास पावर होती है, लेकिन मेजर पावर सेंट्रल के पास में ही होती है। आर्टिकल 268 यही बोलता है ना कि यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी लेकिन कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट करेगा, समझ गए। तो अब स्टेट कलेक्ट करेगा तो उसके लिए काफी पैसे भी लगते हैं, रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो इसके लिए दोस्तों उनको ये पैसा भी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आर्टिकल 269 में भी सेम है ना,
अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसके ऊपर होता है जीएसटी। आपको मालूम है 269 का ए वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी ऐसा होता है कि जो इंटर स्टेट के जो ट्रेड और कॉमर्स होते हैं है ना, वो पैसा भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, सेंट्रली लगाती है, सेंट्रली उसको कलेक्ट करती है। आर्टिकल 270 में भी ये बात बोली गई है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें टैक्स लगाती भी वही है, कलेक्ट भी वही करती है। समझ गए? आगे बात करते हैं फ्रेंडशिप बेंचेस। देख रहे हो आप कितनी ब्यूटीफुल बेंचेस है, इसको फ्रेंडशिप बेंचेस नाम दिया गया है। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है कि लोग आ सके, अकेले लोग बात कर सके, दो पल की जो है ना बढ़िया बातें कर सके, इस चीज को लेकर ये बेंचेस बनाई गई। तो WHO ने दोस्तों कतर के साथ में मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 10 तारीख को आता है ना, उसके ऊपर जिम्बाब्वे में इसका इनिशिएटिव की शुरुआत है जो कि करी गई थी सबसे पहले। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। देखो फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है समझ लो, बहुत ही छोटी सी बात होती है। यूएस ये बोलता है कि अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी यूएस टेक्नोलॉजी को काम में ले रही है, यूएस में कोई टेक्नोलॉजी बनी हुई है, किसी ने भी बनाई हो, अगर यूएस टेक्नोलॉजी को आप काम में ले रहे हो तो ये सरकार डिसाइड करेगी कि किस कंट्री को आपको वो प्रोडक्ट जो कि यूएस की टेक्नोलॉजी काम में लेकर आपने बनाया है वो बेचना है या नहीं बेचना है। यानी कि सरकार आपको ये बताएगी कि आपने यूएस टेक्नोलॉजी यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो कौन से कंट्री में बेचना है, कौन से में नहीं करना है। इसी को बोलते हैं दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, कि फॉरेन में अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका एक रूल है। तो अमेरिका ने रिसेंटली क्या कर दिया है कि बोला है कि कोई भी ऐसी सेमीकंडक्टर चिप जो कि सुपर कंप्यूटिंग में या एडवांस कंप्यूटिंग में काम में आए वो चाइना को नहीं देनी है। तो चाइना को जो है देने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। पहली बार इसको 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस है जो कि करा गया था। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बेलारूस के लिए भी बोला गया है, बेलारूस रशिया को सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको भी देने के लिए मना गया है। रिसेंटली दोस्तों अमूल और 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में मर्जर है जो कि हो गया और ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। समझ गए? इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, भाई अमूल हो गया साथ में 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, सबने मिलकर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो एक्सपोर्ट करेंगे सर्टिफिकेशन के बाद में, उससे जो भी पैसा आएगा वो डायरेक्टली किसान के अकाउंट के अंदर आएगा। हम लोग दोस्तों दूध को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अमूल की बात करें तो अमूल दोस्तों एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशन था। अमूल ने मतलब बहुत ही अमेजिंग काम किया है। 1946 में बना, इंडियन स्टेट डेयरी गवर्नमेंट सोसाइटी है जो कि आनंद गुजरात के अंदर है। अमूल का मतलब होता है जो प्राइसलेस होता है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया। वर्गीज कुरियन ने दोस्तों व्हाइट रेवोल्यूशन में बहुत अमेजिंग काम किया। इंडिया आज टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का, हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन भी है। और उत्तर प्रदेश दोस्तों वो राज्य है जो कि टोटल मिल्क का 18% है जो कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज के बारे में। ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग मशीन तो सुना था, ग्रीन वॉशिंग। अब देखिए ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कई बार क्या होता है कि जो भी कंपनीज है ना बड़ी बड़ी है ना, जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं, हम लोगों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, और खुद ही प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जो कि लोगों के हेल्थ के साथ में खेलते हैं। लोगों के याद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया था, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के साइड में रख दी थी, पता है पेप्सी थी, कोका कोला थी, आई डोंट नो कौन सी कंपनी थी, उसके शेयर डाउन हो गए थे क्योंकि उसने इनडायरेक्टली ये बोला कि भैया पानी बहुत बेहतर है इस कोल्ड ड्रिंक से, इसको मत पियो, है ना। तो ये अक्सर आदत होती है जिनकी, जो फिटनेस पे काम करते हैं वो बहुत ही रेयरली कोल्ड ड्रिंक ये सब जो है वो करते हैं, एंडोर्स करते हैं या पीते हैं, बहुत ही रेयरली होता है मतलब ऐसा। तो ये कंपनीज क्या करती है, खुद को ऐसे दिखाती है ना पोस्टर्स के ऊपर, कैंपेन्स में, है ना, हर जगह पे कि देखो हम लोग बहुत केयर करते हैं। अरे भाई केयर करते तो तुम्हारे प्रोडक्ट ऐसे आते ही नहीं, समझ गए, वो वाली बात है। तो अभी क्या हो रहा है कि COP26 हुई थी ग्लासगो में, तो COP27 की मीटिंग होनी है ना। COP27 जो है ना वो कहाँ पे, इजिप्ट के प्रेसिडेंसी में, इजिप्ट में करवाने की बात की जा रही है। और पता है बड़ी बात क्या है कि कोका कोला कंपनी है जो कि उसको एंडोर्स कर रही है, मतलब कोका कोला जो कि दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है जो कि प्लास्टिक वेस्ट करती है, समझ गए मेरी बात, मतलब बहुत बड़े बड़े किस्से हैं मतलब कोका कोला के एनवायरनमेंट खराब करने को लेकर। अब वही कंपनी क्या कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जो एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस होती है उसी को स्पॉन्सर कर रही है। तो इसको दोस्तों क्या बताया गया है, ऐसे कोई एक्ट करता है तो उसको ग्रीन वॉशिंग है जो कि बताया गया है, समझ गए मेरी बात। दुनिया के बिगेस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को
कौन कर रहा है? दुनिया का बिगेस्ट खराब करने वाला कोको कोला है, जो कि उसको एंडोर्स कर रहा है। तो ग्रीन वॉशिंग उसी को ही कहा जाता है कि एक बहुत ही प्लफी सी लैंग्वेज यूज करेंगे, इको फ्रेंडली, किसी भी चीज के आगे इको फ्रेंडली लगा देंगे, प्रोडक्ट के आगे। लोगों को लगता है अच्छा इको फ्रेंडली है क्या, बस लगा दिया बात हो गई। उसके अलावा ग्रीन प्रोडक्ट मतलब डर्टी प्रोडक्ट, मतलब इस तरीके से ही देखो गाड़ी के पीछे से फूल निकल रहे हैं, ऐसे कुछ इमेजेस दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, इनरेलीवेंट क्लेम कर देते हैं, बेस्ट इन क्लास खुद को बता देंगे, इस तरीके के काम करके जो है खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ये बताएंगे कि देखो नहीं, हम तो एनवायरनमेंट के बहुत ध्यान रखते हैं हम तो, मतलब ठीक है। चलो करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, हरियाणा दुबई गवर्नमेंट ने एमओयू किया है, किसको लेकर? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में साथ में काम करने को लेकर। इंडिया और जापान ने एमओयू किया है आयुर्वेदा में काम करने को लेकर। नितिन गडकरी ने इंडिया रोड कांग्रेस लखनऊ के अंदर इनॉग्रेट करी, ठीक है। वोकैबुलरीज की बात करें तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। सेंट्रिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही मॉडरेट पॉलिटिकल व्यू है, सेंटर में जो रहता है उसको कहते हैं, है ना। मिसलिनियस, मिसलिनियस का मतलब एक्सेसिव डिजायर कि आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना। एनेक्डोट का मतलब कोई बोलते ना कहावत बोलना, उसको कहते हैं, ठीक है। और डिग्रेशन का मतलब होता है डिपार्चर या डाइवर्जन होना कहीं से। इसके अलावा फन फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों एक ये बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट है, ये कोई पेंटिंग नहीं है, 3D इमेज है दोस्तों, जो कि 1800 साल पहले एक टेंपल में जो है वो देखने को मिली थी। मतलब पूरी दुनिया ने 3D पेंटिंग तो बहुत बाद में देखी, लेकिन हमारे जो एसेंटर्स थे, पुराने जो लोग थे, उन्होंने 3D पेंटिंग देख रहे हो 2000 साल पहले ही जो है वो बना दी थी। चलिए करंट अफेयर कैप्सूल के बारे में बात करें, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपीज में किसी भी एग्जाम के लिए, जहां पे आपका करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 11 बजे क्लास होती है, एक साल का करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, और 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं बायलैंग्वेज लैंग्वेज में। साथ में ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, CGL के अंदर इस बार बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा इस बैच से। Tier 1 Tier 2 दोनों की तैयारी मात्र 2000 रुपए में इंडिया की टॉप फैकल्टी के द्वारा। Class 24 ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद में ऐप डाउनलोड करने के बाद में SSC सेलेक्ट करो, प्रिपरेशन में जाइए, ब्रह्मास्त्र यहाँ पे लिखा होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। FCI के लिए भी बैचेस हैं, FCI के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाके आप वॉलंटियर फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं 500 रुपये में अगर आप जॉब करते हैं तो, क्योंकि जॉब भी आपको एजुकेशन की वजह से ही मिली है। आज का पहला सवाल है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को लेकर, दूसरा अमूल को लेकर है, तीसरा फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल को लेकर है, चौथा आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को लेकर है, पांचवा आपका ग्रीन वॉशिंग को लेकर है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड होपफुली, ठीक है। जीत सिंह यहाँ पे आर्मी के अंदर है और अभी -16 डिग्री टेम्परेचर से क्लास ले रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। हैट्स ऑफ टू यू जीत, हैट्स ऑफ टू यू। चलो ठीक है।